हेलो दोस्तों, मैं हूं केपी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज का यानी आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हो कि कौन व्यक्ति यानी अभी बात कर रहा है, कितने मिनट पहले उसने बात की है, क्या उसने फ़ोन को अपने साइलेंट पर लगा रखा है, यानी आप उसके फ़ोन की डिटेल आसानी से जान पाओगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मैं यानी ऐसे और भी फीचर्स दिखाऊंगा जो आपके यानी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यानी आप कहीं पर बैठे हुए हो और आपको लगता है कि मेरे पास कॉल आने से पहले मेरे को पता चले कि किसकी कॉल आने वाली है, तो वो ट्रिक भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से जान पाओगे किसी की कॉल आने से 5-10 सेकंड पहले आपको पता चल जाएगा कि कॉल आने वाली है और आपको यानी आसानी से पता चल जाएगा। अगर आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप कैसे उसके पास से फ़ोन उठवा सकते हो, यानी उसकी अपनी कॉल को अगले से अटेंड करवा सकते हो, कैसे जान सकते हो कि अभी यह किसी से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें अपना जो ट्रूकॉलर एप्लीकेशन है वह ऑफिशियली ऑन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो आपके यानी उस अपने मोबाइल को किसने साइलेंट मोड पर डाल रखा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी कॉल पे बात कर रहा है, सब कुछ आप आसानी से जान पाओगे। अब जो दोस्तों ये जो मेरा अजय ITI के नाम से आ रहा है यानी एक है, तो जो इसने अपने मोबाइल को साइलेंट किया है 16 मिनट पहले, जो दूसरा बंदा दिखाई दे रहा है इसने 21 मिनट पहले अपने मोबाइल को साइलेंट किया है, और जो आपको यह जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो अभी बंदा है तो वो ऑन ए कॉल यानी अभी ये कॉल पे बात कर रहा है, यानी उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में जान रहे हो और आसानी से आप यहाँ से उसके बारे में जान पाओगे। अब दोस्तों ये तो हो गई यानी फ़ोन साइलेंट, और कॉल का कैसे पता लगाए कि वह कॉल पे बात कर रहा है कि या नहीं कर रहा। आप अपनी यानी गर्लफ्रेंड वगैरह किसी को भी रात की टाइम पे या कभी भी आसानी से चेक कर सकते हो दोस्तों कि कब वह ऑनलाइन है या नहीं है। अब मैं दूसरा आपको जो ट्रिक बता रहने वाला हूँ, जो साइड में लेफ्ट साइड 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमें उस पर ऑफिशियली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो सेटिंग वाला ऑप्शन हमें दिखाई देता है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के सामने आता है। अब दोस्तों जो हमारे सामने जो यानी ऊपर जनरल वाले सेटिंग दिखाई दे रही है हमें इसे ऑफिशियली ऑन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करते हो दोस्तों, अब ऑन करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, अब आपको मैं जो सेटिंग दिखाने की कोशिश कर रहा था वो दोस्तों, अब आपको यहाँ से क्या करना है दोस्त, यानी आपके पास कॉल आने से 5 या 10 सेकंड पहले पता चल जाएगा कि किसकी कॉल आने वाली है, उसका नाम, उसकी इमेज, सब कुछ आपको कॉल आने से पहले ही पता चल जाएगी। अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और आप नहीं चाहते, जैसे कोई फैमिली वगैरह में बैठे हुए हो और किसी का अगर आप नहीं चाहते कि इसका कॉल नहीं आए मेरे पास, और आए भी तो मेरे को पहले ही पता चल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको जैसे ही सेटिंग को ऑन करोगे तो 5 या 10 सेकंड पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसकी कॉल आने वाली है, तो आप उसे आसानी से साइलेंट या कहीं दूर जाकर अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों जो कॉल स्टे नोटिफिकेशन है इसको हमें ऑन कर देना है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं नीचे मिस कॉल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इससे भी ऑन कर देना है। तो यानी ऑन करने के लिए हमें परमिशन देना होगा। तो ट्रू कॉलर में जाते हैं, हमें इसे क्या करना होगा दोस्तों, एक्सेस कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे अलाउ करते हैं ये अलाउ हो जाता है दोस्तों। अलाउ होने के बाद में अब दोस्तों ये क्या है, जैसे ही किसी की मेरे पास कॉल आएगी, कॉल आने के 5 या 10 सेकंड पहले मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों कि इसकी कॉल आपको पास आने वाली है। अब दूसरी दो दोस्तों मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ, वह है क्या, कभी कभी क्या होता है अननोन जो व्यक्ति होता है वह हमें व्हाट्सएप पर यानी जानकारी निकलवाना चाहता है, या अदरवाइज कोई भी, जैसे अब मैं किसी को बोल देता हूँ कि यार इसको चेक कर व्हाट्सएप पे या जो भी है,
तो वो अपने अपने बारे में जानना चाहता है, तो आप उसके बारे में पहले से ही जान सकते हो कि ये कौन व्यक्ति है, क्या नहीं है, उसकी सारी डिटेल्स आप पहले ही जान सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको एक सेटिंग दिखाता हूँ, बताता हूँ जो आपको पहले ही ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हो, ऑन करते हो, तो वह आइडेंटिफाई कर लेगा। अब जो दोस्तों मैसेजिंग ऐप है, हमें क्या करना होगा, इसे ऑन कर देना है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो ये हमारे यानी ऑन दोस्तों ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जान पाओगे। और जो दूसरा दोस्तों मैं आपको एक यानी कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप उससे कैसे बोल सकते हो कि यार मेरा फ़ोन उठाओ। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज जाके मैसेज करना होता है। तो दोस्तों आपको वो प्रॉब्लम मैं एक बहुत ही आसानी से सॉल्व करा देता हूँ। जो दोस्तों कॉल रीज़न वाले जो ऑप्शंस दिखाई हमें दे रहा है, तो चूज ए रीज़न बिफोर कॉल वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं टैप करता हूँ, टैप करने के बाद में दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एक सेट रीजन वन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, हमें जो भी मैसेज उसके पास सेंड करना है कि यार एक अर्जेंट कॉल है तो इसको उठा ले, तो ये ऑटोमेटिकली ओनली दोस्तों आपको एक बार यहाँ पे सेव करना होता है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली अगर आप चालू रखते हैं तो यो पहले ही उसके पास 8 से 10 सेकंड पहले उसके पास चला जाता है। तो जैसे मैं इसे डन करता हूँ, डन करने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू के बाद मैं गोटेट करता हूँ, जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो दोस्तों ये जो मेरी सेटिंग है वह चालू हो गई है। अब मैं किसी के भी पास कॉल करूँगा तो मेरे पास उसके पास पहले ही नोटिफिकेशन चल जाएगा कि यार ये अर्जेंट कॉल है, इसे हमें उठाना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों आप और भी मैनेज करना चाहते हो तो वहाँ पे मैनेज कर सकते हो दोस्तों। और जो प्रोफाइल व्यू नोटिफिकेशन होता है, जैसे ही दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है, तो सर्च करने के जैसे ही मैं सर्च करता है तो आपके पास ट्रूकॉलर पर मैसेज आता है कि मेरी जो प्रोफाइल है उसने यानी किसने देखी है, तो आप उसको भी ऑन करके रख सकते हो दोस्तों। आसानी से ही उसको जान पाओगे कि कौन व्यक्ति जो मेरे ट्रूकॉलर प्रोफाइल में सर्च करना चाहता है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो दोस्तों कि कौन व्यक्ति ट्रूकॉलर चलाता है, कौन व्यक्ति ट्रूकॉलर नहीं चलाता। तो जिसके ऑप्शन के ऊपर टी लिखा हुआ नहीं आ रहा है दोस्तों, वो ट्रूकॉलर नहीं चलाता, बाकी सब ट्रूकॉलर चलाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।